हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं, आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आया था मतलब कि अपने रिलेशन की तरफ कोई काम से, मतलब घूमने के लिए। तो मैं रास्ते में देखा एक रहस्यमय मंदिर हमको दिखा, तो सोचा मैं इस मंदिर के बारे में आप लोगों को बताऊं। और मतलब ये जो मंदिर है, ये हमको कुछ देखने में कुछ अजीब सा लगा और रहस्यमय टाइप का मिला, जो कि एक गाँव के बीचों बीच होगा, आप लोग दिख रहा होगा। और चारों तरफ जंगल है और चारों तरफ एक गाँव है, मेरे पीछे आप लोग दिख रहा होगा। ये चारों तरफ गांव है, खेत है ये सारे। तो सोचा मैं आप लोग को इस मंदिर के बारे में, रहस्यमय मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ दूं। तो मैं आया था यहाँ पे घूमने के लिए, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहे। तो मैं वहाँ पास में जाके उस लोकेशन का और क्या उसका मतलब कि फुल डीपली मैंने क्या जानकारियाँ है, क्या विशेष है और क्या रहस्य है इस मंदिर के बारे में, मैं पूरे आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलते हैं उस मंदिर के पास में। तो हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं और रहस्यमय मंदिर के पास में, जो कि आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग को दिख रहा होगा वही वो सामने की तरफ ही मंदिर है। तो क्या है वहां का नज़ारा, तो वहां से मतलब उसके पास में जाके आपको मतलब चारों तरफ के मतलब वहां का नज़ारा क्या है आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं मंदिर की तरफ में। तो मंदिर के जाने के समय में उसके जैसे इन खींचाता है, तो मंदिर के चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, ये चारों तरफ मतलब कि घनी जंगल है, जो कि और इस जंगल के बाद में बीचों बीच गांव है। तो ये दिखने में काफ़ी मतलब दूर से दिखने में काफ़ी मतलब भयानक दिखेगा, लेकिन मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है यहाँ पे जो कि आपको मतलब डरावना जैसा दिखे। लेकिन इसके अंदर मतलब बहुत सारे वृक्ष हैं जो कि पुराने पुराने हो चुकी है, आप लोग को दिख रहा होगा ये चारों तरफ। इधर पर आप लोग को दिख रहा होगा ये चारों तरफ का नज़ारा आप लोग का दिख रहा होगा। तो और ये पुराने पुराने वृक्ष हैं जो कि बरगद के वृक्ष है। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मेरी गाड़ी लगी हुई है, आप लोग देख रहा होगा। और सामने की तरफ सब फूल का पेड़ है। और मतलब यात्रियों के मतलब जो भी मतलब यहाँ पे आए घूमने के लिए, तो वहाँ यहाँ पे बैठने के लिए, विश्राम विश्राम करने के लिए यहाँ पे बैठने के लिए भी बनाया गया है। और एक कल है जो कि बहुत दिनों से मतलब सूखी पड़ी हुई है, क्योंकि काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, आप लोगों को पता है इतना तेज धूप है और ये चलती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी मतलब दिन बाद ही यहाँ पर आदमी आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमेशा ये मंदिर खुली नहीं रहती है, हमेशा ये मंदिर खुला नहीं रहता है। तो मतलब कभी कभी मंदिर का मतलब गेट जो है खुलता है। और मतलब कि ये दशहरे के मेले में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, और यहाँ पे मेला भी मतलब काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बड़ा लगता है मेला यहाँ पे। तो यहाँ पे दशहरे में मतलब कुछ कुछ ऐसा दिन पल होती है जो कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो अगर आप मतलब आना चाहें तो आप आ सकते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं मंदिर के पास में। तो क्या है मंदिर का नज़ारा आपको दिखाते हैं पास में जाके। तो आप लोग का दिख रहा होगा ये मंदिर के सामने का गेट है, और ये माँ काली का मंदिर है, जो माँ दुर्गा की भी मंदिर है। तो आप लोग का दिख रहा होगा पास में, आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब मंदिर का गेट अभी बंद है, जो कि अभी यहाँ पे जो पुजारी है वहाँ पे अभी नहीं है, मंदिर का गेट अभी बंद है। अब आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोग का दिख रहा होगा। और ये चारों तरफ यहाँ के नज़ारे हैं, यहाँ का पीछे का नज़ारा है, यहाँ का नज़ारा है। और ये यहाँ का मेन गेट हुआ और ये बैक गेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आदमी इन करता है और यहाँ से पूजा करके यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये बहुत मतलब बड़ा वृक्ष है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, मैं आपको पास से जाकर दिखा रहा हूँ। ये मंदिर काफ़ी पुराना हो चुका है, और यहाँ पे छोटे छोटे फूल का पौधे हैं। यहाँ पे मतलब काफ़ी आपको अलग अलग टाइप के मतलब वृक्ष देखने को मिलेंगे,
जो कि काफ़ी पुराना पुराना हो चुके हैं, काफ़ी पुराना है, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते इतना पुराना है, आपको मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते। एक छोटा सा भी मंदिर है जो कि रिद्धि सिद्धि करके है, आप लोग को दिख रहा होगा, और इसके भी पीछे मतलब जंगल है, यहाँ पे मतलब जंगल काफ़ी है, और जंगल के मतलब बीचों बीच में मंदिर है जो कि मतलब बाहर से देखने से कभी पता नहीं चलेगा कि इसके बीच में मंदिर है, और यहाँ पे आप जब नज़दीक से आइएगा तो पता चलेगा कि इसमें मंदिर है, और इस मंदिर का भी रस कुछ अजीब टाइप का है। तो मैं सोचा आप लोग को इस चीज़ के बारे में बताया जाए, तो आप लोग दिखाया यहाँ का लोकेशन, तो आप लोग दिख रहा होगा यहाँ दूर दूर तक मतलब सिर्फ खाली जंगल ही जंगल है, आप लोग दिख रहा होगा काफ़ी जंगल है, ये मतलब जंगल है, और इस जो इस जंगल के बाद में फिर मतलब कि गांव है, और इसके बाद भी पूरा टोटल मतलब कि गांव ही गांव है। काफ़ी यहाँ पे ज़्यादातर हमको मतलब हम देख रहे हैं उस समय से मतलब चारों का दिखाया तो हमको पता चला यहाँ पे ज़्यादातर लाल लाल फूल है जो कि मतलब गांव में इसको अनहोल का फूल बोलते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, वो तो काफ़ी पसंद है लाल और पीले यहाँ पे ज़्यादातर, जो कि माँ को ज़्यादा अनहोल की पसंद फूल ही पसंद है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर अनहोल का फूल ही मतलब यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा जो कि चमेली के फूल हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का लोकेशन, ये मतलब यहाँ का लोकेशन को मतलब अच्छा बनाने के लिए फूल ही मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लगे हुए हैं ताकि ये मतलब अच्छा लगे, और यहाँ पे आप दिख रहा होगा ये सब जंगल है। ये आपको देख रहा होगा दूर दूर तक, मतलब दूर से इसका नज़ारा काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए मतलब मंदिर से जो बाहर के तरफ का रास्ता है जो हम लोग इस रास्ते से आए हुए थे, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मतलब कच्चा रास्ता है, ये गांव के बीच में है, तो काफ़ी मुशक्कत करने के बाद में हम यहां से बाइक से हम लोग पहुंचे हैं, आप लोगों के साथ वीडियो आपको वीडियो दिखाने के लिए, आप लोगों को दिख रहा होगा आइए दिखाते हैं, रास्ता कच्चा है मतलब यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है जो आप मतलब यहाँ पे आ सकते हैं, इसके बाद मतलब कुछ दूर हट के यहाँ से जो रास्ते और ये पतली रास्ते हैं ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पतली रास्ते हैं, यहाँ से दूसरा कोई और रास्ता नहीं है क्योंकि गांव के बीच का मंदिर है, तो यहाँ पर यकीनन यहाँ पर तो कोई रास्ता होगा नहीं, तो हम इस कच्चे रास्ता से आए थे, दिख रहे हैं कच्चे रास्ते, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से होकर वहाँ से होकर आए थे, और ये मतलब कि कच्चा रास्ता है। तो बस तो आज का वीडियो में बस इतना ही, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर एक मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।